हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएसए जो कि एक्सपेक्टेड है इस साल आएगा, तो उसकी जो सैलरी स्लिप है वो क्या रहती है, एज ए एसएसए आपको क्या सैलरी पैकेज मिलता है। तो ये सैलरी स्लिप आपके लिए लेके आऊँ। तो इसमें जो बेसिक पे जो इस कैंडिडेट को मिला है वो है 29,200 रुपीज़। यहाँ पे बेसिक पे आपका रहता है, तो एज ए एसएसए आपको बेसिक पे 29,200 रुपीस आपको मिलता है। इसमें डियरनेस अलाउंस जो इनको मिला है 9,052 रुपीस, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस यहाँ पे मिला है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है 2,358 रुपीस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिला है। और एचआरए जो कि वेरी करता है एक्स वाई जेड सिटीज़ के अकॉर्डिंग, और ये सैलरी स्लिप वाइज सिटीज़ की है, तो एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है जो मिला है 5,256 रुपीस यहाँ पे इनको मिला है। और इसमें आगे देखें तो यहाँ पे मेडिकल अलाउंस भी आपको मिलता है 2,000 रुपीज़ का। और अगर हम इन सबको जोड़ करें तो इन सबको मिलाएं तो हमारा जो ग्रोस सैलरी है वो निकल के आता है 47,866 रुपीस, यहाँ पे निकल के आता है आपका टोटल पेमेंट जो ग्रोस सैलरी आपका बनता है एज ए एस एस ए, जो कि एक वाई सिटी की आपको मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड सिटीज़ की अकॉर्डिंग ये एच आर जो वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग ये ग्रोस सैलरी भी वो चेंज होती रहती है। तो वाई सिटी की जो ग्रोस सैलरी रहेगी वो आपकी 47,866 रुपीज़। और इसमें हम डिडक्शंस देखें तो आपका नेट सैलरी पर निकल के आएगा, जो कि इनहैंड सैलरी आप उसको बोल सकते हो, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसमें जो रहता है, इसमें फर्स्ट में रहता है आपका पेंशन, पेंशन का आपका कितना डिडक्ट होता है 3,825 रुपीस आपका पेंशन का यहाँ पे डिडक्ट होता है। और इसके बाद आपका जीआईएस में जो बीमा रहता है इंश्योरेंस रहता है उसमें 30 रुपये आपका डिडक्ट हुआ है 30 रुपीस। और इसके बाद हम देखें तो आपका आरसी में 50 रुपीस, और इसका टोटल करें हम देखें कोई और डिडक्शन यहाँ पे नहीं है, तो टोटल डिडक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारी टोटल डिडक्शन निकल के आती हैं 3,905 रुपीस आपकी टोटल डिडक्शन यहाँ पे बनती हैं एज एस एस ए। आपकी ये डिडक्शन आपके अकाउंट से की जाती हैं, और इसका अगर ग्रोस सैलरी से डिडक्शन माइनस करते हैं तो आपका जो नेट सैलरी है जो आपका इनहैंड सैलरी है वो निकल के आता है। तो ग्रोस सैलरी जो हमारी थी 47,866 रुपीस, और इसमें अगर हम डिडक्शंस माइनस करते हैं 3,905 रुपीस, तो हमारा नेट सैलरी जो निकल के आता है 43,961 रुपीस। तो ये नेट सैलरी एक एज ए एस एस ए इनको मिली है। जैसे ही इसका कोई ऑफिशियल अपडेट हमें मिलता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।